नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे लेब असिस्टेंट का जो हमारे यहाँ पे एमसीक्यू चल रहा था, इस एमसीक्यू के अंतर्गत ये आपका यहाँ पे 5 नंबर पार्ट। इससे पहले हमने यहाँ पे 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, ये आपका यहाँ पे 5 नंबर पार्ट है। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो है, यहाँ पे टॉपिक ध्यान में रखना, जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है उससे ये टॉपिक लिए गए, ये सारे क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो चले आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। और इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोती बना होता है, मोती होता है वो किससे बना होता है। तो इसमें ध्यान में रखना यहाँ पे फर्स्ट नंबर के अंदर कि जो मोती होता है वो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और एक आपके कोलकाइटिन का बना होता है। मतलब इसमें आपके ए और बी, ये दोनों ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट और कोलकाइटिन का बना होता है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में वह प्रदेश जो सबसे अधिक शहतूत रेशम का उत्पादन करता है, कौन सा राज्य है जो शहतूत का आपके या फिर रेशम का क्या करता है, उत्पादन करता है शहतूत से। तो ये आपको यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सा राज्य हो जाएगा। तो इसमें ध्यान में रखना कि जो कर्नाटक है ये आपके सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, और ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रेशम का स्रोत कौन सा है, मतलब जो रेशम प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि जो कोकून होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो उससे आपके रेशम प्राप्त किया जाता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, देखो आपके सामने 3 क्वेश्चन है, आप फटाफट इनका आंसर दे सकते हो, साथ साथ में यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पे कि मोती उत्पादक जो मोलस्का की जाति है वो कौन सी, मतलब मोतियों का उत्पादन कौन से मोलस्का की जाति से किया जाता है। तो ध्यान में रखना इसमें यहाँ पे कि पिग, टाडा, वल्गेरिस, इसके द्वारा मोती का उत्पादन किया जाता है। देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको फटाफट करवा रहा हूँ कि एक तो आपकी टाइम की बचत हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बातें तो बाद में होती रहेगी अलग से, लेकिन यहाँ पे आपकी पढ़ाई है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, किसके मास में सबसे अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है, किसके मांस में सबसे अधिक आपकी वसा की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे गाय का जो मांस होता है उसके अंदर सबसे अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें सी ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोती सीप किस वर्ग से संबंधित होता है, तो मोती सीप होता है वो कौन से वर्ग से संबंधित है। तो इसमें मोती सीप आपके पेल्सिपोडा से संबंधित होता है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो लाख ध्यान में रखना शरीर के स्त्रवण के रूप में होता है। ठीक है, जो लाख कीट होता है उसके शरीर से स्त्रावित किया जाता है ये आपकी लाख, तो इसमें आपके शरीर के स्त्रवण से उत्पादन होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, और ये पूछा गया है यहाँ पे कि रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम कौन सी जाति से प्राप्त किया जाता है, कौन से आपके रेशम कीट की जाति है। तो बॉम्बिक्स मोराई, सबने पढ़ रखा है यहाँ पे कि जो बॉम्बिक्स मोराई है इससे आपके रेशम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोती उद्योग का जनक माना जाता है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। तो मोती उद्योग का जो जनक है वो आपकी कोकिची मिकीमोटो, ये आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे मोती उद्योग के जनक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रानी मधुमक्खी एक समय में लगभग कितने अंडे देती है, तो जो रानी मधुमक्खी होती है वो एक समय में ध्यान में रखना यहाँ पे 2000 अंडे देती है। कितने देती है, 2000 अंडे। औसतन की बात की गई तो इसमें 2000 अंडे देती है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, आई जिंगलास बनाया जाता है, ये आई जिंगलास किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जो आई जिंगलास होता है ये आपकी मछलियों के द्वारा बनाया जाता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, ये सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि शहद रासायनिक तौर पर क्या है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है या फिर प्रोटीन है। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो शहद होता है ये आपके मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है यहाँ पे, मोनोसेकेराइड, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जो दुधारू पशु है उसकी सबसे अच्छी किस्म कौन सी, चिट्टागांव, देवनी, सिंधी या होलिस्टीन फ्रीसियन, तो इसमें से कौन से आपके दुधारू पशु की सबसे अच्छी किस्म आपको बताना है। तो इसमें ध्यान में रखना है यहाँ पे होलिस्टीन फ्रीसियन ये आपकी सबसे अच्छी किस्म इसमें मानी जाती है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने कि मुर्गी पालन में कोराइजा रोग का क्या कारण होता है,
क्या जीवाणु जनित होता है या विषाणु जनित या फिर आपकी कवक या फिर प्रोटोजोआ, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो जो मुर्गी पालन में ध्यान में रखना, जो कोराइजा रोग का जो कारण होता है वो यहाँ पे होता है आपके जीवाणु जनित, तो इसमें आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ लगाया और पता लगाया कि रस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसे करती है और कैसे नाक द्वारा किसकी सूचना अन्य मक्खियों तक को देती है। तो जो आपके डांस होता है आपके मधुमक्खियों का, उसको तो हम कहते हैं वेंगल डांस, ठीक है, क्योंकि जब आपकी वो मधुमक्खियाँ शहद ढूंढ कर लाती है तो छत्ते पर आकर के यहाँ पे डांस करने लग जाती है इस प्रकार से, ठीक है, तो वो आपकी वेंगल डांस होता है। तो इसके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था ये आपको बताना है। तो ध्यान में रखना, वॉन फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने इस डांस का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि आपकी मधुमक्खियाँ भी अलग अलग प्रकार की आपके ये श्रम के आधार पर बांटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक मिनट इसमें थोड़ा रोटेट वापस रोटेट कर देते हैं ना, रोटेट मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है यहाँ पे कि मधुमक्खी में निम्न में से किसके द्वारा शाही जेल का स्त्रावण होता है। तो निम्न में से किसके द्वारा शाही जेल का स्त्रावण होता है ये आपको बताना है यहाँ पे 100वें क्वेश्चन के अंदर। और इसमें ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जंबिका जो ग्रंथियाँ होती है उनके द्वारा शाही जेल का स्त्रावण होता है। लाख उत्पन्न करने वाला जो कीट है उसका क्या नाम है, तो लेसिफर लेका होता है। तो इसमें आपके कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जो पीसी कल्चर है इसमें किसका उत्पादन होता है। तो ध्यान में रखना पीसी कल्चर के अंदर यहाँ पे मछलियों का उत्पादन होता है। मुर्गी पालन के क्षेत्र में भारतवर्ष में प्रथम स्थान है, तो मुर्गी पालन में ध्यान में रखना आंध्र प्रदेश, क्योंकि उस तरफ आपके समुद्र वगैरह झील वगैरह ज़्यादा है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। यहाँ पे ध्यान में रखना मुर्गी पालन के क्षेत्र में भारतवर्ष में प्रथम स्थान ये आपके आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, किस वर्ग में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो कौन से वर्ग में सबसे आर्थिक महत्वपूर्ण जातियाँ पाई जाती है ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे बताना है। तो इसमें ध्यान में रखना है यहाँ पे इंसेक्टा के अंदर कौन, अनेक सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिसमें आपके बहुत सारे कीड़े हमारे उपयोग में भी आते हैं, तो इसमें आपके इंसेक्टा जो वर्ग होगा वो हो जाएगा। व्यापारिक स्तर पर आपके रेशम का उत्पादन होता है, वो कैसे होता है व्यापारिक स्तर पर, तो प्यूपा द्वारा आपके रेशम का उत्पादन किया जाता है व्यापारिक स्तर पर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, मुर्गी पालन में कवक द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो कौन सा है यहाँ पे। तो मुर्गी पालन में कवक द्वारा फैलने वाला जो रोग है इसमें वो हो जाएगी यहाँ पे मोनिलियसिस, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 23 नंबर, और ये पूछा गया है यहाँ पे कि रेशम उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है यहाँ पे रेशम। तो ध्यान में रखना कोकून से, हमने पहले भी कर लिया यहाँ पे, तो सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मछलियों का एक केवल स्वच्छ जल में संवर्धन क्या कहलाता है, तो मछलियों का जो स्वच्छ जल में जो संवर्धन होता है वो एक्वा कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे, एक्वा कल्चर। देखो इन क्वेश्चनों को आप बहुत इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे सारे इन क्वेश्चनों को आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, सिर्फ मैं आपको फटाफट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए वीडियो को आप आसानी से देख सकते हो, कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं होगी। बस मेन टारगेट है कि आपके लेब असिस्टेंट के ऊपर, तो इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि विज्ञान की वह शाखा जो पालतू पशुओं के सुधार के अध्ययन से संबंधित होती है क्या कहलाती है। तो पालतू पशुओं के विज्ञान से जो संबंधित होती है वो क्या कहलाती है, तो इसमें ध्यान में रखना पशुपालन कहलाती है नॉर्मल, तो आपके सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नाम यहाँ पे है कि रेशम से कौन सी प्रोटीन होती है, रेशम होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो इसमें रेशम के अंदर ध्यान में रखना एक तो फाइब्रोइन प्रोटीन होती है और एक सेरीसिन प्रोटीन होती है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से देश में लाख का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो लाख का जो उत्पादन होता है ये तो भारत में, लेकिन मछलियों का उत्पादन आपके भारत के अंदर जो राज्य है वो हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट है यहाँ पे मधुमक्खी पालन कहलाता है। देखो मधुमक्खी पालन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, तो मधुमक्खी पालन एपिकल्चर होता है, और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है, टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन होता है, और पीसी कल्चर होता है आपके यहाँ पे मछली पालन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर का क्वेश्चन, और उसमें पूछा गया है यहाँ पे कि गेम्बूसिया क्या है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ पे एग्जाम के अंदर गेम्बूसिया के बारे में पूछा जा सकता है कि गेम्बूसिया यहाँ पे क्या है। तो गेम्बूसिया मच्छर के लार्वा खाने वाली ये मछली होती है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
कि रेशम के कीट से प्राप्त होने वाला रेशम किसका उत्पादन होता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ध्यान में रखना कि लार्वा की जो लार ग्रंथि होती है उनका उत्पादन होता है। रेशम आपके किससे बनता है, लार ग्रंथियों से बनता है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानी खेत बीमारी किस में पाई जाती है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लें, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है यहाँ पे रानी खेत बीमारी आपकी किस में होती है, तो रानी खेत बीमारी आपकी मुर्गियों के अंदर होती है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी में ड्रोन्स या नर जो उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ड्रोन और नर की बात की गई है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना अनिषेचित अंडों से आपके नर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे, और नेक्स्ट यहाँ पे कि मोती का निर्माण किसके स्रावण से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मोती का निर्माण प्रवार की स्तंभी उपकला कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट है यहाँ पे पेब्राइन रोग होता है, तो पेब्राइन रोग किस में होता है ये आपको बताना है, तो रेशम का जो कीट होता है उसमें पेब्राइन रोग होता है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, शहद होता है, तो शहद ध्यान में रखना अम्लीय होता है क्योंकि थोड़ा बहुत खट्टा भी होता है, तो अम्लीय होता है, तो ये 35 नंबर क्वेश्चन थे यहाँ पे, 35 टोटल क्वेश्चन थे। कैसे लगे कि उसने आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करो, डेली आपके लिए एमसीक्यू क्लास ऐसी चलती रहेगी। मिलते हैं वापस शाम को एक थ्योरी की क्लास के अंदर, बायो की क्लास आज हम वापस स्टार्ट कर देंगे, तो बायो की क्लास में 6 बजे आप ज़रूर मिलना सारे स्टूडेंट्स।